हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेज़ी कुकिंग विद दीपाली। आज की रेसिपी जो मैं लेकर के आई हूँ वो स्पेशली बच्चों के लिए है, मैश चीज़ी पोटैटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैश चीज़ी पोटैटो बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 7-8 आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है। बटर लिया है मैंने, एक प्याज लिया है इसको बारीक काट लिया है, एक टमाटर है उसको भी बारीक काटा है, चीज़ लिया है मोज़रेला चीज़ है, एक शिमला मिर्च है इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, चिली फ्लेक्स है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट, ऑरिगेनो लिया है और चाट मसाला है 1 टीस्पून। चलिए पहले हम आलू रेडी कर लेते हैं। इसमें पहले हम ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे, सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा आप, थोड़ा सा हम इसमें ऑरिगेनो भी ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे, प्याज को मैं ऊपर से भी डालूंगी, इसमें इसलिए मिक्स किया है थोड़ा क्रंचीनेस आ जाएगी। चलिए आलू तो रेडी हो गए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ट्रे लिए, इस पे पहले हम थोड़ा बटर लगा लेंगे, अब जो आलू हमने रेडी किया है इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये 4 लोगों का कंप्लीट मील है, एक्चुअल में बच्चे लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, आप लोग भी ट्राई करिए। हाँ, अब इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। मैं इसको OTG में बना रही हूँ, अगर आप लोग के पास OTG नहीं हो तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं या फ्लैट पैन ले लेंगे उसमें भी बन सकता है, उसमें आपको कुछ स्टैंड वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बटर अप्लाई करके सेम प्रोसीजर है, कढ़ाई में भी आप इसी तरह से रख सकते हैं। अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा बटर अप्लाई करूँगी। प्याज डालेंगे, अब इस पे शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर कोई और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो पसंद हो। अब इस पे टमाटर डाल देंगे हम लोग, एकदम पिज्जा की तरह ही बनता है ये। ऊपर हम लोग चीज डालेंगे,
लेकिन ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। अब ऊपर से मैं ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब मैं इसको ओटीजी में रखूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, और आप लोग कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसमें भी आप करीब 20 मिनट के लिए रखिएगा पकने के लिए। तो चलिए इसको मैं ओटीजी में रखती हूँ। मैंने ओटीजी को 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया था 180 डिग्री पे, और अब हम मैश पोटैटो को 20 से 25 मिनट के लिए इसमें बेक करेंगे। लीजिए, मैश चीज़ी पोटैटो रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।